बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के विस्तार की। 2024 से पहले 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 4 राज्यों पर आम आदमी पार्टी उतरने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश से हुंकार भरी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जो जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं, सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू पे वोट देना। भारत माता की, इंकलाब। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। आई लव यू टू। ये मिशन 2024 का है, ये नेशनल पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को साबित करने की लड़ाई है। जिस मिशन पर अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं, आज मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ये रैली विधानसभा चुनाव के दंगल में पूरे दमखम से उतरने का आगाज है। जहां अरविंद केजरीवाल ने वादों का पिटारा खोला, विरोधियों पर निशाना साधा। जो जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं, सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। हमको नौकरी देनी आती है, हमारी नीयत साफ है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, एक मौका देके देख लो, आपको सबके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी भोपाल की रैली में नजर आए। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं फ्री बिजली का दांव खेला। राज्य के निकाय चुनाव में आपका प्रदर्शन संतोषजनक रहा था, यही वजह है कि मध्य प्रदेश से आपको उम्मीदें ज्यादा हैं। नजर विधानसभा पर है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली, फिर उसके बाद पंजाब और अब गुजरात में 14% वोट हासिल किए थे विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नजर मध्य प्रदेश पे है। पीछे अगर आप देखें तो तमाम कार्यकर्ता आपको दिख जाएंगे जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं भोपाल में अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए। कोई इंदौर से है, कोई बालाघाट से है, अलग अलग हिस्सों से, जिलों से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इसमें तेलंगाना और मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी सियासी मैदान में उतर रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर मानी जाती है, और ऐसा सियासी मैदान आम आदमी पार्टी को सूट भी करता है। दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में सेंधमारी कर आप अस्तित्व में आई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में एंट्री की, गुजरात में भी प्रदर्शन अच्छा रहा और इसी के साथ राष्ट्रीय पार्टी का तमगा भी लिया। अब बारी इस राष्ट्रीय पार्टी के विस्तार की है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कमर कस ली है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश से पहले कल राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने अपने मिशन का आगाज किया, जहां कांग्रेस और बीजेपी पर सांठगांठ का आरोप भी लगाया। आपने 48 साल उनको दिए, 18 साल इनको दिए, 5 साल हमको भी दे दो, हम भी इतने बुरे तो नहीं है, एक मौका हमको दे दो, एक बार हमारी सरकार बना के देख लो, पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल देना। इससे पहले कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में भी अरविंद केजरीवाल अपने दौरों के साथ सियासी आगाज कर चुके हैं। और रणनीति के तहत उन राज्यों का चयन कर रहे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच खुद को वो तीसरा विकल्प बना सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।